क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3 मैचों की ये पूरी ही सीरीज पुणे के मैदान में खेली जाएगी और 23 मार्च को सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। अब पहले वनडे मैच से ठीक 24 घंटे पहले भारत की प्लेइंग 11 फाइनल हो गई है, जिसमें कई सारे बदलाव हो गए हैं और बड़ी खबर यहां तक है कि कप्तान विराट कोहली तक टीम से बाहर हो गए हैं और रोहित शर्मा टीम को लीड करेंगे। कप्तानी संभालते ही रोहित ने अपने मन मुताबिक पूरी टीम ही बदल दी है। तो कैसी है पहले वनडे के लिए टीम, कैसा है कॉम्बिनेशन, आपको बताते हैं। आप भी कमेंट करके टीम को लेकर जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। तो पुणे के मैदान में दोपहर 1:30 बजे से मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें प्रैक्टिस सेशन में खूब पसीना बहा रही हैं। अब इस बीच भारत की टीम को लेकर बड़ी खबर है, जिसमें हिटमैन रोहित शर्मा को कप्तानी तक दे दी गई है, क्योंकि विराट कोहली को बाहर होना पड़ा है। विराट पर आईसीसी के बैन की तलवार लटक रही है और अभी तक की खबर के मुताबिक विराट वनडे सीरीज से बाहर हो जाएंगे। हालांकि आखिरी फैसले का अभी इंतजार ही किया जा रहा है। अब ऐसे में टीम की बात करें तो ओपनिंग जोड़ी वही विंटेज जोड़ी रहेगी। रोहित शर्मा और शिखर धवन यहां पर पारी की शुरुआत करेंगे और धवन को टीम में अपनी जगह बचानी है, पक्की करनी है। तो ये 3 वनडे मैच धवन के लिए आखिरी मौके की तरह हैं। वहीं रोहित शर्मा आखिरी T20 मैच में अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं और यहाँ हिटमैन को कप्तानी करने का मौका भी मिलेगा, लिहाजा हिटमैन पर बड़ी जिम्मेदारी है और हिटमैन बड़ी पारी, यहाँ तक कि दोहरा शतक फिर से देखने को मिल सकता है। तीसरे नंबर की बात करें तो कप्तान विराट कोहली को बैन की वजह से खेलने की संभावना कम हो गई है, लिहाजा यहां तीसरे नंबर पर धाकड़ सूर्यकुमार यादव की एंट्री होगी। जी हां, रोहित के बेहद करीबी कहे जाने वाले सूर्या को वनडे मैच खेलने का भी मौका मिलेगा और तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव खेलने आएंगे, जबकि चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को प्लेस किया जाएगा, क्योंकि अय्यर ने हाल ही में चौथे नंबर पर काफी अच्छा खेल दिखाया है और अय्यर पर टीम मैनेजमेंट का भरोसा बना हुआ है। पांचवें नंबर की बात करें तो यहां पर केएल राहुल की जगह पक्की है। जी हां, राहुल वनडे मैचों में पांचवें नंबर पर खासे सफल रहे हैं और बड़ी बात यह है कि राहुल ही यहां पर विकेट कीपिंग का भी जिम्मा संभालेंगे और राहुल को लेकर पांचवें नंबर पर टीम मैनेजमेंट का पूरा भरोसा बना हुआ है। छठे नंबर और सातवें नंबर पर पांड्या ब्रदर्स खेलने आएंगे। ये दोनों ही खिलाड़ी रोहित शर्मा के बेहद करीबी माने जाते हैं। छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या आएंगे तो सातवें नंबर पर कुणाल खेलने आएंगे। कुणाल ने विजय हजारे ट्रॉफी में अद्भुत बल्लेबाजी की थी, जबकि हार्दिक पांड्या अपनी तूफानी पारी से आखिरी T20 मैच में सभी का दिल जीतने में कामयाब रहे थे और यही फॉर्म ये दोनों खिलाड़ी यहां वनडे मैच में भी दिखाना चाहेंगे और साथ ही साथ दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी गेंदबाजी में भी खासी योगदान करेंगे। इसके बाद आठवें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर खेलने आएंगे। सुंदर बेहतरीन ऑफ स्पिन गेंदबाज तो हैं ही, वहीं बल्लेबाजी में भी दम दिखाते हैं और वनडे मैच सुंदर की बैटिंग स्किल के लिहाज से खासे मुफीद माने जाते हैं। अब इन 8 खिलाड़ियों के बाद 3 विशुद्ध गेंदबाज टीम में खेलेंगे। स्पिनर के रूप में युजवेंद्र चहल टीम में वापस आएंगे और युजी को यहां लंबे समय बाद वनडे मैच खेलने का मौका मिलेगा। तो वहीं तेज गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार की भी वापसी होगी और शार्दुल ठाकुर को भी टीम में बरकरार रखा गया है। शार्दुल और भुवी दोनों खिलाड़ियों ने T20 सीरीज में शानदार खेल दिखाया था और वनडे मैचों में भी ये दोनों खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। यानी पूरी की पूरी टीम परफेक्ट है, खिलाड़ियों का चयन काफी सोच विचार कर किया गया है और टीम में बदलाव की संभावना सिर्फ एक है। अगर विराट कोहली पर फाइनली बैन नहीं लगता है और विराट कोहली अवेलेबल रहते हैं तो आखिरी मौके पर सूर्य कुमार यादव टीम से बाहर होंगे और तीसरे नंबर पर विराट कोहली खेलने आएंगे। साथ ही साथ विराट ही टीम की कप्तानी भी करेंगे और बाकी टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। तो टीम बेहद शानदार है और अगर रोहित शर्मा को कप्तानी का मौका मिलता है तो रोहित यहां भी अपना लोहा मनवाना चाहेंगे। तो आपका इस टीम को लेकर क्या कहना है, इस कॉम्बिनेशन को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।